मोदी सरकार 2.0 में अगर अब तक हमें कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली है तो वो मिली है लोकसभा और राज्यसभा में नए नए बिल पास हो रहे हैं, बरसों से लटके हुए मुद्दे ख़त्म हो रहे हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात, मर्जर, कंपनियों के मर्जर, बैंकों के मर्जर। हम कई बार सुन रहे हैं कि इस फलानी कंपनी का आपस में मर्जर हो गया और वो दो तीन कंपनी मिलकर एक कंपनी बना दी सरकार ने, वो 10-12 बैंक मिलाकर सरकार ने एक बैंक बना दिया। अब ऐसा ही एक बड़ा फैसला कुछ ही देर में होने वाला है, वो है इंश्योरेंस कंपनी का आपस में विलय। 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का आपस में विलय होगा और वो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएंगी। और ये 3 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये सभी कंपनियां मिलकर जब एक नई कंपनी बनाएंगी तो ये इंडिया की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, और इसी के साथ इनका बिजनेस जो होगा वो अपने आप में बताएगा कि ये जो फैसला ये सही साबित हुआ या नहीं साबित हुआ। फिलहाल ये तीनों कंपनियां फायदे में हैं और इनके पास 90,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हैं। जब इन तीनों कंपनियों का मर्जर करेगी सरकार तो इन तीनों कंपनियों को 12,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो होगी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों कंपनियों में जितने भी इंश्योरेंस हैं उनका 25% हिस्सा इन्हीं 3 कंपनियों के पास है, तो इस वजह से ये देश की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन जाएंगी। 12,500 करोड़ रुपए इनको सरकार की तरफ से भी मिलेंगे। इन तीनों कंपनियों के पास फिलहाल संयुक्त रूप से 9,243 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा इन तीनों कंपनियों के 44,000 कर्मचारी हैं जो 6 देश भर के 6,000 ऑफिसों में काम करते हैं। इन 6,000 ऑफिसों में काम करने वाले 44,000 कर्मचारियों की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी ज्यों की तोप बनी रहेगी। हालांकि ग्राहकों पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि ग्राहकों की जॉब पॉलिसी जैसी जिस कंपनी ने दी हुई है वो वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी और वो जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं पॉलिसी के हिसाब से। तो कुल मिलाकर जब ये कंपनी बन जाएगी देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट इस पर कितने दिन में मोहर लगाता है। हालांकि ऐसी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि इस पर मोहर आज ही लगेगी और आज ही ये फैसला हो जाएगा कि जनरल इंश्योरेंस नाम की एक नई कंपनी बनने जा रही है, वो 3 कंपनियों के विलय से बनी है और वो इंडिया की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और जिसके बाद वो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी उसके वो जिसके जो एसेट होंगे वो 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ हालांकि विरोध भी होगा, जाहिर सी बात है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी कंपनी किसी के साथ मर्जर होती है तो उसके कर्मचारी विरोध करते हैं, तीनों कंपनियों के कर्मचारी विरोध भी करेंगे, लेकिन इस सरकार को विरोध से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सरकार साबित कर चुकी है पिछले 6 महीनों में। जब प्रचंड बहुमत हो तो विरोध कोई मायने नहीं रखता।